है वेलकम गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आज कल एकदम स्पेशल है भाई बिकॉज इट्स डे फिफ्टी आउट ऑफ हंडेड इज चैलेंज सो कल संडे था मैं पार्टी करने चला गया था क्लबिंग करने आई I मीन mean, रात को मैं टू थर्टी को सोया था भाई इन जनरल मेरे को आदत नहीं है इतना तो लेट नाइट एंड इन द मॉर्निंग मैं उठ गया था एट थर्टी को जिम जाने के लिए बट बिल्कुल मन नहीं किया भाई सच में सो so कल पूल पार्टी हुआ था रात को देयर इन पूल लाइक लाइक मोर देन मिनट्स नियरली वन आवर वो भी टेरेस हुए भाई आप सोच ही सकते हो कितनी ठंड रहती है तो इसलिए मॉर्निंग एकदम पूरा बॉडी पेन एंड हैड भी हो रहा था इसलिए जिम जाने का मन भी नहीं किया एंड आई ट्राई टू मोटिवेट माई सेल्फ टू गो इन द इवनिंग एंड अभी मैं बना रहा हूँ उपमा एकदम सूजी वाला उपमा एकदम टेस्टीदार बनाऊँगा रेसिपी देख लेना आप इसमें बिल्कुल मसाला होता नहीं है एकदम इट्स हेल्दी काब्स एंड आई वुड से इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ब्रेकफास्ट कम क्वान्टिटी में सो मेकिंग दिस यूजिंग सम घी आई मीन लाइक वन एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ घी से बना रहा हूँ मैं डिस के साथ आई हैव फाइव एक्सरसाइज सो प्रोटीन का सोर्स ख़त्म काप्स एंड फाइबर भी हो गया डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट छोड़ दो भाई कभी भी आई I मीन mean, कभी कभी खा सकते हो बट उसके साथ साथ प्रोटीन भी खाना है बिकॉज वी डोंट हैव टू मिस आर प्रोटीन मैं तो मिस नहीं करता एवरी थ्री मैन मील्स में मैं प्रोटीन ले ही लेता हूँ लाइक दिस उपमा लिटिल इसलिए मैं आई I मीन mean, ज़्यादा पानी डालता हूँ सो आफ्टर हैविंग माई उपमा उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया था एंड खाना बना के खाया तो लंच में बनाया पनीर बिरयानी ठीक है अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट रेकॉर्डेड गाइज बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड एंड तुरंत फटाफट खा के रेस्ट लेना है बिकॉज फाइनली आई मोटिवेटेड माई सेल्फ एंड डिसाइडेड टू गो टू द जिम गाइज मिस नहीं करनी है भाई बिकॉज इट्स डे फिफ्टी राइट एंड अपन के लेटेस्ट वीडियो में वन पॉइंट थ्री के व्यूज़ भी आ गए और सोचो उससे ज़्यादा मोटिवेशन और क्या ही हो सकती है हमें I लग mean, like, पहले इट यूज़ टू बी फिफ्टी सिक्सटी व्यूज़ आता था अभी सीधा वन पॉइंट थ्री के व्यूज आ गए एक वीडियो में मज़ा आ गया भाई फीलिंग सो so, आज हम मंडे एंड मंडे को हम करेंगे लेग डे एंड फ्रॉम दिस वीक का इफ़ कार्डियो थ्री आई मीन टू टू थ्री टाइम्स करूँगा एवरी वीक एंड वो भी ट्रेडवेल प्लस ही ट्रेनिंग करेंगे एच आई आई टी तो लेग डे का पहला वर्कआउट हो जाता है हमारा क्या हो जाता है आप बताओ आप अगर मेरे वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता रहनी चाहिए होप यू आर करेक्ट सो फर्स्ट आ जाता है हमारा बारबल स्कॉट्स सो टू सेट्स बैक स्क्ॉट्स करेंगे उसके बाद टू सेट्स फ्रंट स्क्वाच्स करेंगे डायरेक्टली मैं ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव से स्टार्ट किया बट दिस वीडियो आई टोक गेट लाइक थ्री थर्टी केजेस है आई मीन थर्टी केजिज़ ईच तो दोस्तों अगर आपको भी बेयर फूड करना पसंद है स्क्वाड्स कमेंट में मैंशन करना एंड ये आने वाले फिफ्टी डेज ना आई विल बी स्ट्रिक्ट ऑन डाइट एकदम हंड्रेड डेज चैलेंज में हाफ हो चुका है एंड बचे हैं फिफ्टी डेज सो आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डाइट आई ट्राई टू बी ठीक है मेन डाइट है उसके बाद हम करेंगे लाइक एनिमल मूवमेंट लाइक एक ही जगह पे ट्वेंटी टू थर्टी मिनट से ज़्यादा बैट नहीं सकते हैं, ऐसे वी नी टू मूव कॉन्स्टेंटली सो देट विल बी एक्टिव तो अभी हम कर रहे हैं फ्रेंट स्कॉट्स जिसे कि आप देख ही सकते हो डायरेक्टली मैं ट्वेंटी किलो से स्टार्ट किया था बैक स्क्ॉट्स आई डिट वॉज लाइक थर्टी फाइव तक किया था अभी ये ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव तक ही कर रहा हूँ बिकॉज ये फ्रेंट स्कोट्स ने मैं रिसेंटली स्टार्ट किया था तो आई जस्ट वॉन्ट टू गो वेरी स्लो आई कैन डू मोर वेट बट तीन से चार रेप आएंगे भाई क्वालिटी रेप्स नहीं होते वो हो। तो माय एम वाज लाइक एट टू फोर्टीन रब्स तक आना है वो पीरियड में सो so इन दोनों के चार सेट के बाद विल डू आर रेगुलर एक्सरसाइज वो होने वाला है बल्जरन स्प्लिट स्कॉड्स तो ये हमेशा मैं दो डम्पल से करता हूँ बट उसे थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है मेरा सो टुडे आई एम गोना ट्राई दिस सिंगल हैंड बल्जर स्प्लिट स्क्वाड्स एकदम कम्प्लीट बैलेंस के साथ कर पा रहा हूँ सीरियसली इट वॉज सो गुड जैसे कि आप देख ही सकते हो कम्प्लीट क्वाड्स पर पड़ रहा है प्रेशर और वेट होगा ये फिफ्टीन का वन फाइव नॉट फाइव ज़ीरो फिर है सर बोले तो फिफ्टी किलो का डम्बल है ही नहीं हमारा जिम में तो क्योंकि तीन सेट कंप्लीट करने के बाद आई एव डन लेग एक्सटेंशन उसके बाद हैमर कर्ल्स किया था दोनों तीन तीन सेट करके आ गया नाउ और फिफ्थ एक्सरसाइज गोना बी काफ रेजेस सो इन दिस आई एम ट्रेनिंग माय सोलियस मसल एकदम काफ के लोअर हिस्से को कहते हैं सोलियस मसल तो काफ रेजेस के बाद आई एव डन माई लेग रेजेस अराउंड हंड्रेड ड्रप्स मारा था उससे ज़्यादा मार नहीं पाया तो उसी के साथ लेग वर्कआउट कंप्लीट हो गया भाई अभी करते थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जैसे कि मैं कहा माई बॉडी वॉज लाइक नॉट कम्प्लीटली कम्फर्टेबल आई गेस दिस स्ट्रेचिंग इज ओनली द वे इट्स नॉट अबाउट द स्विमिंग गाइस इट्स इट्स अबाउट द टेम्परेचर ओवर देयर पानी भी ठंडा था बाहर भी एकदम हवा चल रहा था सो उससे ना आई गेस बॉडी का मसल्स से बहुत इम्पैक्ट होता है आई थिंक मे बी दैट्स द रीज़न इसलिए हफ डन ईच एंड एवरी मूव लाइक ट्वेंटी सेकेंड्स के लिए किया था जनरली फिफ्टीन सेकेंड्स के लिए करता हूँ आज ट्वेंटी सेकेंड्स के लिए किया तो so, मैं YouTube वीडियोस में देखा कि बहुत लोग 30 सेकेंड्स तक करते हैं भाई ईच एंड एवरी मूव बट कोई नहीं ट्वेंटी सेकेंड्स इज नॉट दैट बैड देखे ना गाइस मैं जिम मिस नहीं किया मॉर्निंगदम आई वॉज नॉट फीलिंग रियली वेल बट थ्रू आउट द डे आई एट रियली गुड आई मीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अच्छे से खाया पिया सोया एंड शाम तक आई वॉज फीलिंग बेटर मॉर्निंग अगर आपको भी ऐसा मन नहीं करता है ना सुबह सुबह जाने का आप भी सेम ऐसे ही करो एकदम खाओ पियो अच्छा सा प्रोटीन लो फैट लो हेल्दी काब्स लो शाम को आपको एकदम मोटिवेशन इतना मिल जाएगा ना यू आई मीन लाइक आपका बॉडी अलव नहीं करेगा बेड में रेस्ट करने के लिए एंड आपका माइंड में गिल्टीनेस भी आ जाता है, है ना बट बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो जाने दो क्या है एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बाकी सिक्स डेज है सिक्स डेज में कवर कर लेंगे आप कर भी सकते हो आई मीन यू हैव टू जस्ट रिम्बर आपका बॉडी ना एक्सपेक्ट्स यू लाइक यू हैव टू वर्कआउट एट दिस टाइम ऐसा आई मीन मेरे को तो गिल्टी हो जाता है अगर मैं जिम नहीं करता हूँ ना तो अलग सा फीलिंग आ जाता है इसलिए मैं भाग कर जिम चले जाता हूँ इवन इवन आई एम डीमोटिवेटेड डे फिफ्टी ओ वर्कआउट एकदम मज़ा आ गया इस बिकॉज इट्स माई फेवरेट डे लेग डे लेग डे मेरा बहुत ही फेवरेट डे है एंड उसी के साथ साथ आई हैव डन प्रेटी गुड स्ट्रेचिंग आई वॉज रियली फीलिंग रिलैक्सड आफ्टर दिस दैट्स गुड फॉर मी आई एम सो हैप्पी कि मैं फिफ्टी डेज तक कर पाया नॉट ओनली वर्कआउट आई ईवन अपलोडेड ईच एंड एवरी सिंगल वीडियो अंटिल दिस डेज बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज आपको ऑफिस का मतलब पर्सनल काम करना है बाद आपको फूड प्रिपेयर करनी है वीडियो एडिट करनी है वॉइस ओवर देनी है मोर ओवर यू हैव टू रिकॉर्ड इट ईच एंड एवरी सिंगल सेकेंड सो पता नहीं ये फिफ्टी डेज एकदम ऐसे ही निकल गया था एंड एन ऑफ ऑफ द रैटिंग आइज I आई होप not bored. I was just sharing my experience. That's all. फटाफट अपन प्रोटीन पी के घर आके बनाए ग्रीन मूंग की सब्जी एकदम सिंपल साथ साथ में थोड़ा सा फाइबर विच इज वेजिटेबल्स एंड दो फुल के एंड परसों का चिक पीस बचा हुआ था सो so खराब हो रहा है घर के खा लिया प्रोटीन ही तो है बिंदास खा लेंगे भाई डिनर वॉज रियली अमेजिंग एंड अभी हम बना रहे ओवर नाइट ओट्स